एस डैश 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 एस का यूज़ हम लाइकनेस या सिमिलैरिटी को शो करने में करते हैं या इनको कंपेयर करने में करते हैं, लेकिन सो डैश 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 एस का यूज़ हम यहाँ पर अनलाइकनेस या डिससिमिलैरिटी के लिए करते हैं, मीन्स हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, जैसे कि ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर, मतलब वो अपनी सिस्टर के जितना इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर हमें उसे बोलना है कि वो अपनी सिस्टर जितना इंटेलिजेंट नहीं है, तो उसको हम कैसे बोलेंगे? ही इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर। तो जब आपको अगर सिमिलैरिटी की बात करनी हो कंपैरिजन में, तो आप एस डैश डैश एस का यूज़ करेंगे, और अगर आपको डिससिमिलैरिटी की बात करनी है तो सो डैश 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 एस का यूज़ करेंगे। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब हम किस सेंस में यूज़ करते हैं कि ना केवल बल्कि, ना केवल बल्कि में। जैसे ही नॉट ओनली प्लेस क्रिकेट बट ही ऑल्सो प्लेस फुटबॉल, वो ना केवल क्रिकेट खेलता है बल्कि वो फुटबॉल भी खेलता है। तो इस तरह से ना केवल बल्कि वाले सेंटेंस में हम लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करते हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम नॉट ओनली बट ऑल्सो कहाँ लगा रहे हैं। तो हमेशा जो नॉट ओनली होता है वो आपका वर्ब के पहले लगता है, और वट ऑल्सो कैसे लगेगा कि जैसे कि आपका दूसरा सेंटेंस आने से पहले आपको वट लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, और फिर ऑल्सो लगा देना है, मतलब हमेशा ये मेन वर्ब के पहले यूज़ होता है। तो आप भी कमेंट करें, तो आप बनाएं कोई सेंटेंस, तो मैं उसमें रिप्लाई करूँगी कौन सा सेंटेंस बढ़िया है, कौन सा सेंटेंस शानदार है। सो डैश 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 दैट, सो डैश 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 का यूज़ इस तरीके से, जैसे इतना कि इस सेंस में किया जाता है। जैसे ही इज़ सो वीक दैट ही कैंट वॉक, मतलब वो इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता। तो ही इज़ सो वीक दैट ही कैंट वॉक। अगर आप इसको दूसरे तरीके से कहना चाहो तो इसको इस तरीके से कहेंगे, जिसको हम टू डैश 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 टू के हिसाब से भी कह सकते हैं। जैसे ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज़ टू वीक टू वॉक, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो आप लोग कॉमेंट करें, और उसमें भी आप लोग अपने हिसाब से कोई सेंटेंस बनाएं। नीदर नॉर, नीदर को नाइदर भी पढ़ते हैं, नाइदर इंडियन प्रोनाउंसिएशन होता है, नीदर आपका अमेरिकन और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन होता है। तो नीदर नॉर, इनका यूज़ हम इस तरीके से करते हैं कि नीदर का मतलब ना ही और ना तो, ना ही ना तो के, ना ही ना तो के सेंस में हम यूज़ करते हैं। जैसे नीदर आई नो हिम नॉर आई सॉ बिफोर, मतलब ना मैं उसको जानता हूँ ना मैंने उसको इसके पहले कभी देखा। तो हमेशा नीदर और नॉर, पहले नीदर यूज़ करते हैं, फिर इसके बाद सेंटेंस, फिर इसके बाद नॉर यूज़ करते हैं, फिर इसके बाद दूसरा सेंटेंस यूज़ करते हैं। और इसका सेंटेंस का हम कभी भी किस सेंस में यूज़ करते हैं? ना तो ना ही, जैसे कि नीदर आई नो हिम ना मैं उसको जानता हूँ, और नॉर आई सॉ बिफोर ना मैंने उसको इसके पहले देखा, ना ही मैंने उसको इसके पहले देखा है। एज लॉन्ग एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। अगर हमें बोलना हो जब तक वाले सेंटेंस में बोलना है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एज लॉन्ग एज लॉन्ग एज का यूज़ हमेशा सेंटेंस के फर्स्ट में होता है, मतलब आपके जो भी सेंटेंस होता है उसके सबसे पहले होता है। जैसे एज लॉन्ग एज देर इज़ होप देर इज़ लाइफ, एज लॉन्ग एज देर इज़ होप देर इज़ लाइफ, मतलब कि जब तक आप, जब तक उम्मीद है तब तक जिंदगी है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम एज लॉन्ग एज का यूज़ करते हैं। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। एज सून एज का यूज़ भी सेंटेंस के सबसे पहले करते हैं, जैसे अगर मुझे बोलना हो एज सून एज आई लुक हर आई गेट नर्वस, जैसे ही मैं उसको देखता हूँ मैं नर्वस हो जाता हूँ। तो इस पर आप कमेंट करिए, कोई नया सेंटेंस बनाइए, जो भी अच्छा सेंटेंस होगा मैं उसको रिप्लाई करूँगा। शुड का यूज़ हम चाहिए वाले सेंटेंस में करते हैं, जहाँ पर हम एक पोलाइटली बात कर रहे होते हैं वहाँ पर हम शुड का यूज़ करेंगे। जैसे आपको जाना चाहिए यू शुड गो, आपको खाना खाना चाहिए यू शुड ईट फूड, आपको चाय पीना चाहिए यू शुड टेक टी, इस तरह के सेंटेंस में हम शुड का यूज़ करते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेस्ट सेंटेंस को मैं लाइक करूँगा, रिप्लाई करूँगा।